कि दोगुनी रफ्तार से सड़कें बन रही हैं, रेलवे लाइनें तेज गति से आगे बढ़ रही हैं, पोर्ट डेवलपमेंट हो रहे हैं, गैस पाइपलाइन बिछ रही हैं, बंद पड़े फर्टिलाइजर प्लांट उसको खोलने का काम चल रहा है, करोड़ों घरों में शौचालय बन रहे हैं और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। मैं जरा कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहता हूं, रोजगारी और बेरोजगारी की आलोचना करने वाले, उनसे मैं जरा पूछना चाहता हूं, आप जब बेरोजगारी का आंकड़ा देते हैं तो आप भी जानते हैं, देश भी जानता है, मैं भी जानता हूं कि आप बेरोजगारी का आंकड़ा पूरे देश का देते हैं। अगर बेरोजगारी का आंकड़ा पूरा देश के हैं तो रोजगारी का आंकड़ा भी पूरे देश का बनता है। अब आपको हमारी बात पर भरोसा नहीं होगा, मैं जरा पूछ कहना चाहता हूं और आप रिकॉर्ड तपास लीजिए, पश्चिम बंगाल की सरकार, कर्नाटक की सरकार, उड़ीसा की सरकार और केरल की सरकार, हम तो है नहीं वहां, न कोई एनडीए है, इन चार सरकारों ने स्वयं ने जो घोषित किया है उस हिसाब से पिछले तीन चार वर्ष में इन चार सरकारों का दावा है कि वहां करीब करीब 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। क्या आप उनको भी इनकार करोगे क्या? क्या आप उस रोजगार को रोजगार नहीं मानोगे क्या? बेरोजगारी देश की और पूरे देश में रोजगारी का काम, और मैं इसमें देश के आर्थिक रूप से समृद्ध राज्यों की चर्चा नहीं कर रहा, भाजपा की सरकारों की चर्चा नहीं कर रहा हूं, एनडीए की सरकारों की चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं उन सरकारों की चर्चा कर रहा हूं जो सरकार में आपके लोग बैठे हैं और रोजगार के क्लेम वो कर रहे हैं। या तो आप नकार कर दीजिए कि आपकी कर्नाटक सरकार रोजगार के जो आंकड़े बोल रही है झूठे बोल रही है, बोलो। और इसलिए